नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 फरवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना हाईकोर्ट ने 550 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। महागठबंधन सरकार के पहले बजट की कार्यवाही चलेगी इतने दिनों तक। पूर्व मध्य रेलवे के ट्रेनों के मेन्यू में इन व्यंजनों को किया गया ऐड। नीतीश लालू की सत्ता पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा निशाना। रविंद्र जडेजा ने एनसीए में पास किया फिटनेस टेस्ट। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाईकोर्ट ने 550 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। पटना हाईकोर्ट ने असिस्टेंट के कुल मिलाकर 550 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री पास होना और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 तक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके आवेदन की शुरुआत 6 फरवरी 2023 से होगी। वे कैंडिडेट जो पद पर आवेदन करने की योग्यता और इच्छुक है, वे एप्लीकेशन लिंक एक्टिव होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इसमें आवेदन करने के लिए पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahaicourt.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। पूर्व मध्य रेलवे के ट्रेनों के मेन्यू में इन व्यंजनों को किया गया ऐड। IRCTC के द्वारा आज से वैशाली व बांद्रा हमसफर सुपरफास्ट सहित पूर्व मध्य रेलवे के सभी पैट्री कार्ड युक्त ट्रेनों में रेल यात्रियों के लिए एक ऐसा मेन्यू लाया जा रहा है जो पौष्टिकता से भरपूर होगा। बता दें कि इस मेन्यू में लोकल खानों और नाश्तों के साथ साथ चाइनीज नाश्ता और भोजन को भी शामिल किया गया। IRCTC के द्वारा रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए व्यंजनों की क्वांटिटी के साथ साथ रेट लिस्ट भी जारी कर दी गई है जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों शामिल है। बता दें कि जारी किए गए लिस्ट में लिट्टी चोखा, खिचड़ी, प्याज कचौड़ी, आलू चाप, बड़ा पाव, कचौड़ी, चपाती, इडली सांभर, पोहा, चिकन सूप, उबला अंडा, अंडा कढ़ी, फिश कढ़ी, चिकन फ्राइड राइस, अंडा फ्राइड राइस समेत कई तरह के वेज और नॉन वेज व्यंजन को शामिल किया गया है। इसके अलावा डायबिटिक्स खानों में बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ओट्स विद मिल्क, वेज पैटीज जैसी चीजें भी शामिल है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे दुलारी देवी के बारे में। दुलारी देवी एक भारतीय कलाकार और चित्रकार है जो मिथिला कला परंपरा में काम कर रही है। वह मधुबनी की कछनी और भरनी दोनों शैलियों का अभ्यास करती है। उनके काम को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में मैथिली भाषा में पाठ्यक्रम सामग्री के हिस्से के रूप में चित्रित किया गया है। 2005 में उनके काम को नरेंद्र नारायण सिन्हा द्वारा मधुबनी कला में पारंपरिक इमेजरी के उपयोग पर केंद्रित एक प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में क्यूरेट किया गया था। 2010 में देवी और कई अन्य लोक कलाकारों ने अपनी कला में आदिवासी लोक कथाओं को दर्ज किया जिसे प्रकाशक तारा बुक्स ने सिल्क स्क्रीन प्रिंट की मात्रा में सन एंड मून शीर्षक से संकलित किया था। 2018 में हेलीकॉप्टर में एक गांव में पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्षक वाली उनकी पेंटिंग सैन फ्रांसिस्को में एशियाई कला संग्रहालय में मधुबनी कला की एक क्यूरेटेड प्रदर्शनी का हिस्सा थी। 2021 में वह कला में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए नागरिक सम्मान पद्मश्री की प्राप्तकर्ता थी और साथ ही उन्हें 2012 में स्टेट ऑफ बिहार अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन आर्ट से भी नवाजा गया है। सिरसा के मकबरे से जुड़े मामले पर पटना हाईकोर्ट का अहम निर्देश। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के द्वारा सासाराम के ऐतिहासिक महत्व के धरोहर शेर शाह के मकबरे के आसपास बड़े तालाब में स्वच्छ और ताजा पानी आने के लिए बनाए गए नाले बंद होने के अधिवक्ता कन्हैया लाल भास्कर की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई जिसमें कोर्ट के द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार के अधिवक्ता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों से बात कर विचार विमर्श करें। कोर्ट ने कहा कि यह ऐतिहासिक धरोहर है जिसकी सुरक्षा और देखभाल करना अति आवश्यक है। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट को कहा गया है कि शेरशाह के मकबरे में 2018 से 2020 तक केवल 50% नाले का काम हुआ है। इसमें काफी अनियमितताएं बरती गई है जिसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए। कोर्ट के द्वारा इस मामले पर अब अगली सुनवाई 4 फरवरी 2023 को की जाएगी। बीते दिन समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश पहुंचे सहरसा। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान सहरसा पहुंचे जहां उन्होंने कहड़ा प्रखंड के बल्हापट्टी गांव में विकास कार्यों का समीक्षा लिया। इस दौरान सीएम नीतीश ने बल्हापट्टी पंचायत भवन का निरीक्षण करके तालाब में मछली और बत्तख भी छोड़े और उसके बाद नीतीश कुमार ने सहरसा में मॉडल सदर अस्पताल का उद्घाटन भी किया। इसके बाद वहां उन्होंने जीविका दीदियों से संवाद कर उनकी स्थिति जानने की कोशिश की। सभी कामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास भवन सभागार में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
बैठक की। हालांकि इस दौरान ग्रामीण महिला के द्वारा नीतीश कुमार को कहा गया कि शराबबंदी का असर देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप और भी ठोस कदम उठाएं। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और विजय चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। अब मैट्रिक की तर्ज पर होगी 9वीं की वार्षिक परीक्षा। मैट्रिक में स्टूडेंट्स की मेधा को निखारा जा सके, इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अब मैट्रिक के पैटर्न पर ही 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें कि 9वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा की शुरुआत 24 फरवरी से 2 पालियों में हो रही है, जो कि 28 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने और समझने के लिए अलग से 15 मिनट दिए जाएंगे। इसके साथ ही वैसे विद्यार्थी जो दृष्टि बाधित है और दिव्यांग है, उन्हें लेखक रखने की भी अनुमति दी जाएगी, और साथ ही निर्धारित समय में 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। इसके अलावा दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए विज्ञान के स्थान पर संगीत और गणित के स्थान पर गृह विज्ञान की परीक्षा होगी। मालूम हो कि प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट बोर्ड के द्वारा ही उपलब्ध करवाया जाएगा, और प्रश्न पत्र को निर्धारित विषय की परीक्षा तिथि के दिन परीक्षा शुरू होने की 20 मिनट पहले खोला जाएगा। बिहार के बेतिया में टला बड़ा रेल हादसा। बीते दिन एक बार फिर बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। बता दें कि बीते दिन पश्चिम चंपारण के बेतिया में सत्याग्रह एक्सप्रेस की 5 बोगियां चलती ट्रेन से अलग हो गई। इसके बाद रेल यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि जब इसकी जानकारी ड्राइवर को मिली तो ट्रेन को पीछे लाया गया और अलग हुई बोगियों को जोड़ा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह हादसा अचानक सुगौली नरकटियागंज रेलखंड पर मझौलिया स्टेशन के पास हुई। इस घटना को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि यह कपलिंग टूटने के कारण हुआ है। हालांकि इस घटना की जानकारी जब रेलवे पदाधिकारियों को मिली तो पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। फिलहाल इस घटना के पीछे का कारण जांच के बाद ही पता चल सकेगा। गालीबाज के पाठक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मंत्री ने दिया संकेत। बिहार के तेज तरार आईएएस अधिकारी के पाठक, जो मौजूदा समय में उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के प्रधान सचिव और व्यापार के डीजी है, उनका एक वीडियो काफी चर्चाओं में बना हुआ है, जिसमें वो बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों और बिहारियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि उनके इस वीडियो को लेकर उनके खिलाफ बीते दिन गुरुवार को कोतवाली थाना में मामला दर्ज करवाया गया। इसी को लेकर भाषा अध्यक्ष शशांक शेखर सिन्हा द्वारा कहा गया है कि उन्होंने न केवल अधिकारियों को और डिप्टी कलेक्टर के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, बल्कि उन्होंने बिहार के लोगों के लिए भी इस तरह के भाषा का प्रयोग किया है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमने शुक्रवार को काला बिल्ला लगाकर काम करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मद निषेध मामलों के मंत्री सुनील कुमार का भी यही कहना है कि वह मांग करेंगे कि के पाठक पर कार्रवाई हो। महागठबंधन सरकार के पहले बजट की कार्यवाही चलेगी इतने दिनों तक। बिहार की महागठबंधन सरकार का पहला बजट 28 फरवरी को पेश होने वाला है, लेकिन बजट सत्र की शुरुआत 27 फरवरी से हो रही है, जो कि 5 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान कुल 22 दिन बिहार विधानसभा की कार्यवाही चलेगी, जिसमें 16 दिन होली रामनवमी जैसे त्योहारों को लेकर अवकाश रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले दिन 27 फरवरी को राज्यपाल फागू चौहान का अभिभाषण होगा। इसके बाद 28 फरवरी को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि विधानसभा सचिवालय के मुताबिक राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के लिए 2 दिन, बजट पर सामान्य निष्कर्ष के लिए 2 दिन, तृतीय अनुपूरक के लिए 1 दिन, बजट की अनुदान मांगों पर वाद विवाद तथा विनियोग के लिए 12 दिन, राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य के लिए 2 दिन तथा गैर सरकारी संकल्प के लिए 2 दिन का कार्य दिवस रखा गया है। बिहार के मोतिहारी में 34 दुर्लभ कछुए के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। इन दिनों पूरे देश भर से कछुओं की तस्करी से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में वन विभाग के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर पूर्वी चंपारण के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिशन चौक पर कछुआ तस्करी के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया है। बता दें कि सूचना के बाद वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और मोतिहारी वन प्रमंडल की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं जब उनके पास मौजूद बैग की तलाशी की गई तो उनके से दुर्लभ प्रजाति का 34 कछुआ भी बरामद किया गया, जिसके बाद इन 3 तस्करों को वन विभाग की टीम के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर मोतिहारी वन प्रमंडल की पदाधिकारी श्वेता कुमारी और वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी के द्वारा 3 तस्कर से पूछताछ की जा रही है।
बिहार में लोगों को अभी और सताएगी ठंड। बिहार के लोगों को अभी ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। अगले 2-3 दिनों तक बिहार का न्यूनतम तापमान और गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिनों में बिहार के कई जिलों में तापमान 4 से 6 डिग्री तक गिर सकता है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, इससे लोगों को ठंड का भी एहसास होगा। इसके साथ ही हवाओं की रफ्तार में भी बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। हालांकि लोगों को दिन में ठंड का एहसास नहीं होगा, लेकिन शाम होते होते मौसम करवट ले लेगा। मौसम विभाग के अनुसार हवाओं की रफ्तार में भी बढ़ोतरी होगी। पश्चिम और उत्तरी पश्चिम से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे पटना संग्रहालय के बारे में। पटना म्यूजियम बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। इसका निर्माण 1917 में अंग्रेजी शासन के समय हुआ था, ताकि पटना और आसपास पाई गई ऐतिहासिक वस्तुओं को संग्रहित किया जा सके। स्थानीय लोग इसे जादूगर कहते हैं। मुगल राजपूत वास्तुशैली से निर्मित पटना संग्रहालय को बिहार की बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भवन के केंद्र पर आकर्षक छतरी, चारों कोनों पर गुंबद और झरोखा शैली की खिड़कियां इसकी विशेषताएं हैं। इस संग्रहालय में दुर्लभ संग्रह का भंडार है। संग्रहालय नव पाषाणकालीन पुरावशेषों और चित्रों, दुर्लभ सिक्कों, पांडुलिपियों, पत्थर और खनिज, तोप और शीशा की कलाकृतियों से समृद्ध है। वैशाली में लिच्छवियों द्वारा भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बनवाए गए प्राचीनतम मिट्टी के स्तूप से प्राप्त बुद्ध के दुर्लभ अस्थि अवशेष वाली कलश मंजूषा है, तो वृक्ष का जीवाश्म संग्रहालय में काफी पुराने चीड़ के एक वृक्ष का जीवाश्म भी यहाँ रखा हुआ है, जिसे देखने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने सड़क पर पिया चाय। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का एक अनोखा और देसी अंदाज देखने को मिला है। बता दें कि आरा में एक चाय की दुकान में तब लोगों की भीड़ लगी जब उस दुकान पर चाय की चुस्की का मजा लेने के लिए खुद पवन सिंह पहुंचे। बता दें कि पवन सिंह आरा जाने के क्रम में अपनी गाड़ी से उतरे और एक गरीब चाय वाली के दुकान के पास अपने दोस्त के साथ पहुंच गए और चाय का मजा लिया। इस दौरान उन्हें देखने के लिए देखते ही देखते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सभी उनसे बात करने की कोशिश करने लगे। इसी बीच भीड़ से एक आवाज आती है, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि भैया कैसा लग रहा है इस तरह चाय पीकर, आज आप 10 साल पहले वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं। जिस पर पवन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि यही असली जिंदगी है, यही अपने गांव का लगाव है, यह मजा कहीं और नहीं मिलेगा। वहीं चाय पिलाने वाली महिला ने भी पवन सिंह को धन्यवाद दिया। दक्षिण एशिया महिला फिल्म महोत्सव की पटना में हुई शुरुआत। बिहार की राजधानी पटना में पहली बार बीते दिन से दक्षिण एशिया महिला फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसका उद्घाटन मगध महिला कॉलेज में कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र राय के द्वारा की गई है। बता दें कि इस फिल्मोत्सव का मकसद होता है बिहार की महिलाओं को महिलाओं पर आधारित फिल्म दिखाना और उनकी आत्मशक्ति को बढ़ाना। मालूम हो कि इस महोत्सव का आयोजन 9 फरवरी तक किया जाएगा, जिसमें महिलाओं पर आधारित बेहतरीन फिल्मों की प्रस्तुति की जाएगी। वहीं इस महोत्सव को लेकर कला संस्कृति युवा विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी का कहना है कि इस महोत्सव में 7 दिनों तक महिलाओं पर केंद्रित बेहतरीन फिल्मों की प्रस्तुति की जाएगी, ताकि महिलाओं को फिल्म के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनके अंदर आत्मविश्वास भी पैदा किया जा सके। बता दें कि बीते दिन इस महोत्सव में सीता के बदलते रूप की प्रस्तुति की गई थी। अडानी एक हफ्ते में पहुंचे 16वें नंबर पर। बीते साल 2022 में तमाम अरबपतियों में ताबड़तोड़ कमाई करने वाले शख्स में एक नाम भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी का भी था, लेकिन 2023 उनके लिए काफी बुरा साबित हो रहा है। बता दें कि गौतम अडानी अब टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 के अंत तक गौतम अडानी टॉप 10 बिलियनर की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। हालांकि वे इस पायदान पर ज्यादा देर नहीं रह पाए और अब 2023 की शुरुआत में अमेरिकी रिसर्च फर्म हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि अडानी के साम्राज्य में ऐसी उथल पुथल मची हुई है कि महीने भर में उनकी नेटवर्थ से करीब 48 अरब डॉलर साफ हो गया है और वे टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से निकलकर 64.7 अरब डॉलर के साथ 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। कैबिनेट के विस्तार पर तेजस्वी यादव ने कही ये बात। बिहार में राज्य मंत्री परिषद के विस्तार को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि फिलहाल कैबिनेट का विस्तार नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग को लेकर भी कोई विचार नहीं किया गया है और ऐसे भी अभी कैबिनेट का कोई विस्तार नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि मुझे यह समझ नहीं आता है कि इस तरह की चर्चा आखिर कहां से निकलकर सामने आती है, जबकि इसको लेकर महागठबंधन के अंदर अब तक कोई बात भी नहीं की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कुछ दिनों पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष
अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा कहा गया था कि कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस के 4 मंत्री को पद मिल सकते हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार जो होगा उसमें राजद कोटा के जो 2 मंत्री हटे हैं उसे ही भरा जाएगा। जेडीयू का चिराग पासवान पर हमला। नागालैंड में 60 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी बीच अब यह खबर सामने आ रही है कि अब इस चुनाव में जेडीयू की धार कुंद करने के लिए लोजपा रामविलास के द्वारा भी बिना किसी गठबंधन के अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इस बात की जानकारी खुद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा दी गई है। हालांकि अब तक कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाना है इस बात की पुष्टि नहीं की गई। वहीं इसको लेकर जेडीयू नेत्री भरती मेहता के द्वारा तंज कसते हुए यह दावा किया गया है कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान वोट कटवा के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इससे जेडीयू को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह यह पार्टी बिहार में 0 पर आउट हुई है, ठीक वैसे ही नागालैंड में भी 0 पर ही आउट हो जाएगी। नीतीश लालू की सत्ता पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा निशाना। बीते दिन जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने महात्मा फूले समता परिषद द्वारा शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह पर एक बार फिर जेडीयू की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हर साल महापुरुष की जयंती मनाते हैं, लेकिन इस बार इस पर रोक लगाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि जेडीयू के द्वारा पहले जगदेव प्रसाद की जयंती को लेकर कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया था, लेकिन हम सभी ने समता परिषद द्वारा पहले से ही कार्यक्रम की तारीख तय कर ली गई थी। अब अचानक से जेडीयू के द्वारा जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं आरजेडी के द्वारा जो जयंती आयोजन किया गया था उसमें भी हम सब ने देखा कि नई पीढ़ी को गुमराह करने की कोशिश की गई। इसके साथ उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि पिछले 35 वर्षों से बिहार का सत्ता किसके हाथ में है वह जनता देख रही है। पिछले वर्षों में अति पिछड़ा और दलितों को सत्ता नहीं मिली है। उमेश कुशवाहा ने सीएम नीतीश को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं से की अपील। बीते दिन जेडीयू प्रदेश कार्यालय में शहीद जगदेव की जयंती समारोह के दौरान जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संबोधित करते हुए जेडीयू कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आप सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतनी ताकत दे कि वे लाल किला पर झंडा फहरा सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज पूरे देश की उम्मीद और विश्वास भरी आंखें नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। कुशवाहा ने कहा कि यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो आप सभी को भटकाने और बड़गलाने का काम करेंगे, लेकिन आप सभी उन कुछ लोगों की बातों में नहीं आना। आप सभी उन लोगों से सावधान रहें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ताकत दें। रविंद्र जडेजा ने एनसीए में पास किया फिटनेस टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 फरवरी से शुरू हो रही बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम के फैंस के लिए खुशखबरी है। बता दें कि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि एनसीए के द्वारा नागपुर में टेस्ट खेलने की अनुमति दे दी गई है। क्रिकबस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रविंद्र जडेजा ने एनसीए की फिटनेस ट्रेनिंग को पास कर लिया है और अब वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले पहले टेस्ट में खेलते नजर आ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जडेजा ने आखिरी बार अगस्त 2022 में दुबई में एशिया कप में भारत के लिए खेला था। इस दौरान उन्हें घुटने में लगी चोट के कारण सर्जरी करवाना पड़ा था, जिससे वह 5 महीने के लिए मैदान से बाहर हो गए थे। हालांकि उन्हें बांग्लादेश दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में पूरी तरह से फिट नहीं होने के चलते उनका नाम वापस ले लिया गया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत 1916 में हुई। मुंबई से कुर्ला के बीच भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा 1925 में शुरू हुई। भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की 1917 में तलचर में आधारशिला रखी गई। भारतीय नौसेना की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS चक्र को 1988 में सैन्य बेड़े में शामिल किया गया। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में 1999 में डेमोक्रेटिक जनता दल का पुनरुद्धार हुआ। भारतीय कंपनी की 11 खरब क्यूबिक फीट गैस का भंडार 3 फरवरी 2008 को ईरान के तटीय क्षेत्रों में मिला। महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर के चोरी हुए नोबेल पुरस्कार के संकेत 3 फरवरी साल 2008 में बांग्लादेश में होने के संकेत मिले थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2009 में गरीबी उन्मूलन हेतु नया फॉर्मूला बनाया। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने 2009 में राजस्थान रॉयल्स की हिस्सेदारी खरीदी। 3 फरवरी साल 2018 में भारत ने चौथी बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। 3 फरवरी के दिन वन अग्नि सुरक्षा दिवस के साप्ताहिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड भर में आज हम बात करेंगे घर पर मुफ्त चिकित्सा परामर्श के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे घर पर मुफ्त चिकित्सा परामर्श के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि ई संजीवनी OPD मुक्त टेली परामर्श प्रणाली के साथ देश में कहीं से भी लोग स्मार्टफोन कंप्यूटर का उपयोग करके दुरुस्त रूप से डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह खबर फर्जी नहीं है। ई संजीवनी OPD मुक्त टेली परामर्श प्रणाली के साथ देश
देश में कहीं से भी लोग स्मार्टफोन कंप्यूटर का उपयोग करके दुरुस्त रूप से डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं। उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 224 अंक उछला, फ्लैट बंद हुई निफ्टी। बीते दिन यानी कि गुरुवार को शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बता दें कि इसी उतार चढ़ाव के बीच बीते दिन सेंसेक्स 224.16 अंक यानी कि 0.38% की तेजी के साथ 59,932.24 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 5.90 अंक यानी 0.00% की गिरावट के साथ 17,610.40 के स्तर पर बंद हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन जिनके कारोबार निफ्टी के टॉप गेनर में रहे हैं उनमें ITC, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, इंडसलैंड बैंक, HUL और इन्फोसिस हैं। वहीं निफ्टी के टॉप लूजर जो कारोबार रहे हैं वे अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, UPL, HDFC लाइफ और डिविस लैब्स के नाम शामिल हैं। आने वाले हैं व्हाट्सएप के ये नए फीचर्स। आने वाले समय में व्हाट्सएप कई नए फीचर्स लाने वाला है जिसमें आप ओरिजिनल क्वालिटी में भी तस्वीर भेज सकेंगे। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के लिए सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन की वर्ड लिमिट को भी बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद सब्जेक्ट लिखने की सीमा 25 कैरेक्टर से बढ़कर 100 हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन की सीमा 512 से बढ़कर 2048 हो जाएगी। बता दें कि व्हाट्सएप अपने ड्राइंग टूल में भी फॉन्ट अलाइनमेंट और फॉन्ट बैकग्राउंड जैसा नया फीचर जोड़ने वाला है, जिससे आप अपने टेक्स्ट को और अच्छे से कस्टमाइज कर पाएंगे। व्हाट्सएप ड्राइंग टूल में फोटो और वीडियो के लिए भी फॉन्ट पेश करने का काम कर रहा है। इसके आने के बाद अगर आप अपने फोटो या वीडियो पर कुछ लिखते हैं तो आपको कई फॉन्ट ऑप्शन मिलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर आलोक मेहता का जवाब। मंत्री आलोक मेहता ने जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर पलटवार किया है। मेरे बयान को अलग रंग दिया जा रहा है, यह बात उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का जवाब देते हुए कहा। उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने मेरी बातों की गलत व्याख्या की है। उपेंद्र कुशवाहा जी हमसे उम्र में बड़े हैं और ऐसा कहते हुए मुझे खेद हो रहा है। उनके द्वारा भी बराबरी की बात की जाती है और हम भी बराबरी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर बराबरी को बराबर करने की बात है जो एक बार फिर से समाज में तैयार हो गई है। दरअसल आलोक मेहता ने कहा कि हमने सवर्णों के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला है। जहां तक समाज में बराबरी की बात है तो सही जगदेव प्रसाद भी समाज में बराबरी की बात करते थे, इसलिए हमने कहा कि अभी समाज में गैर बराबरी है और समाज के वैसे वर्गों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, रूपेश कुमार, दुर्गा महतो, मृत्युंजय कुमार, नुगोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, मुटु रंगीला, अजीमा फिरदौस, बाबूलाल मरांडी, रविशंकर, असरफी मंडल, कौशल रावत, दीपक कुमार, शंकर मुखिया, पंकज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सड़क पर बाइक या गाड़ी चलाते समय यातायात नियमों का पालन करते हैं या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।